दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को दुनिया का सबसे बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेगड़ी निकाल कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं तिलक वर्मा, तो वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन साउथ अफ्रीका की टीम के लिए वनडे मुकाबले में यमराज बन बैठे। जी हां दोस्तों, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला और पहले ही वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने इतिहास रच दिया और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों का बल्ला मैदान पर इस तरीके से चला जिसको देखकर शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। हमारी भारतीय टीम ने 3 T20 मुकाबले लगातार हार जीते और दोस्तों एक मुकाबले में सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, जहां पर दोस्तों 3 T20 मुकाबले लगातार हारने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी। दोस्तों भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला किया। यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा खुश हुई, उन्हें लगा कि पहले गेंदबाजी करेंगे और भारतीय टीम को यहां पर 150 रनों के भीतर ऑल आउट कर देंगे। लेकिन दोस्तों पहले ODI के पहले ही ओवर में मैदान पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। भारतीय टीम के बहुत तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयर जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली ही बॉल पर छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। संजू सैमसन ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की छठी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर अभिषेक शर्मा ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर मैदान पर काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक दूसरे की मदद से छक्के पर छक्के, चौके पर चौके ठोक रहे थे। दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने छक्का ठोक दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने चौका ठोक दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने कगेश्वर रवाड़ा के दोस्तों 3 बची हुई गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का बल्ला तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। पांचवें ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने छक्का ठोक दिया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा ने पांचवें ओवर की पांचवीं बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया और पांचवें ओवर की छठी बॉल पर कर एक रन लिया। यहां पर दोस्तों स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को ही मिली। अभिषेक शर्मा ने दोस्तों छठे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने फिर चौका ठोक दिया। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने छठे ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर मैदान पर काफी ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर अभिषेक शर्मा 7वें ओवर की चौथी बॉल पर 55 रन ठोक करके कैच आउट का सामना कर बैठे। भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। तिलक वर्मा ने 7वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। 8वें ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने छक्का ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी। तिलक वर्मा ने 8वें ओवर की बची 4 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका की गेंदबाज और कप्तान की पहले वनडे मुकाबले में धज्जियां उड़ा रहे थे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन ने 9वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने चौका ठोक दिया। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने फिर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी। तिलक वर्मा ने 9वें ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोकते हुए दोस्तों यहां पर 50 रन पूरे कर लिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में
डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 22 वर्षीय नया युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा, वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर 65 रन ठोक करके जैसे ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर संजू सैमसन आउट हुए, भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर मैदान पर तिलक वर्मा का साथ देने के लिए आए सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए दोस्तों 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। लेकिन 13वें ओवर की पहली बॉल पर तिलक वर्मा ने छक्का ठोक दिया, 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने चौका ठोक दिया, 13वें ओवर की चौथी बॉल पर तिलक वर्मा ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी। सूर्या ने दोस्तों 13वें ओवर की बची 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। तिलक वर्मा ने 14वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया, सूर्य ने 14वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी। तिलक वर्मा ने 14वें ओवर की छठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों कैच आउट का सामना कर बैठे। 14वें ओवर तक जाते तिलक वर्मा ने 137 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। तिलक वर्मा जैसे ही आउट हुई भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन तिलक वर्मा ने ऐतिहासिक पारी खेली और दोस्तों 48 गेंदों पर 137 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। तिलक वर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने दोस्तों 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके सूर्य ने ठोक दिए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के फिर हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए। 19वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्य ने छक्का ठोक दिया, 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्य ने चौका ठोक दिया, 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर की बची 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें दोस्तों, रिंकू सिंह ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले को लहराते हुए काफी घातक विस्फोटक तरीके से दोस्तों 22वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 22वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया, 22वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने 22वें ओवर की चौथी बॉल पर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी। सूर्या ने 22वें ओवर की पांचवीं बॉल पर छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया। सूर्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रखा था। 25वें ओवर तक जाते जाते सूर्य कुमार यादव ने 125 रन ठोक दिए और अभी भी सूर्य कुमार यादव नॉट आउट थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 28वें ओवर की चौथी बॉल पर आप सभी को बता दें यहां पर 71 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने दोस्तों यहां पर 28वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक, 29वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्या ने छक्का ठोक दिया, 29वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्या ने चौका ठोक दिया, 29वें ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्या ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। रिंकू सिंह ने 29वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव का साथ बखूबी देते रहे। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बेहतर विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। दोस्तों 30वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए और ऐतिहासिक पारी खेलते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, 30वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। सूर्या का बल्ला तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। तो वहीं दोस्तों 31वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें दोस्तों, यहां पर सिंह ने ठोक दिए।
भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या रिंकू ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहां पर घातक विस्फोटक गेंदबाज साउथ अफ्रीका के दौड़कर सूर्या और रिंकू का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा है क्या जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। कुछ देर तक तो अंपायर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों अंपायर भी देखकर हैरान था, आखिरकार ऐसी बल्लेबाजी और ऐसे बल्लेबाज हमने आज तक नहीं देखे जो इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हो। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों का भी माथा चकरा गया। कगेसुर रवाड़ा जैसे तूफानी विस्फोटक गेंदबाज की जो है बोलती बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे। भारतीय टीम के शेरों की बल्लेबाजी देख करके हर कोई हैरान था। रिंकू सिंह ने दोस्तों 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। 33वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के सूर्या ठोक दिए। 35वें ओवर की 6 गेंदों पर 7 रन सूर्या ठोक दिए। 36वें ओवर की 6 गेंदों पर 11 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 38वें ओवर की 6 गेंदों पर 25 रन रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 7 रन सूर्या ने ठोक दिए। दोस्तों यहां पर 40वें ओवर की 6 गेंदों पर 16 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 41वें ओवर की 6 गेंदों पर 9 रन सूर्या ने ठोक दिए। और दोस्तों यहां पर 42वें ओवर की 6 गेंदों पर 7 रन फिर सूर्या ने ठोक दिए। 43वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 45वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके सूर्या ने फिर ठोक दिए। 46वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 48वें ओवर की 6 गेंदों पर 25 रन सूर्या ने फिर ठोक दिए। और दोस्तों यहां पर 49वें ओवर की 6 गेंदों पर 16 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए। 50वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 248 रन ठोक दिए और वहीं रिंकू सिंह 99 यानी कि 99 रन ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक पारी खेली। दोस्तों जब पहले वनडे में भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम उतरी जो काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी, साउथ अफ्रीका की टीम के दो खतरनाक खूंखार विस्फोटक नमूने बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। पहला ओवर लेकर के गए हरसदीप सिंह ने पहले ओवर की 6वीं बॉल पर 1 विकेट चटका दिया और 16 रन दिए। पहला विकेट भारतीय टीम को हासिल हुआ रवि बिश्नोई के द्वारा तो वहीं दूसरे ओवर की 4वीं बॉल पर 1 विकेट यहां पर दोस्तों रवि बिश्नोई ने चटका दिया। अब हरसदीप सिंह रवि बिश्नोई ने 2 ओवरों में 2 विकेट ले लिया, रन 28 जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 ओवरों में समेट दिया। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे। चौथा ओवर लेकर के आवेश खान 4 छक्के 2 चौके देकर के चले आए। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की 6 गेंदों पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज अरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लगातार ले लिए और साउथ अफ्रीका के तेज खूंखार विस्फोटक गेंदबाज का जो है आप सभी को पता है साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिनको लपेट दिया। भारतीय टीम का तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कोहरा मचा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम जो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से ढेर होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो छक्के पर छक्के चौके पर चौके ठोक रहे थे जो रुकने का नाम नहीं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों 25वें ओवर तक पूरी की पूरी टीम को समेट दिया और पहला ODI यानी कि वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया। फिलहाल ये एक वार्म मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चलकर होगा, हमारी भारतीय टीम जीतेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ईश्वर से दुआ कामना बनाए कि हमारी भारतीय टीम जीते। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।